फिर आज मैं स्पॉटलाइट में दो एफ एन ओ स्टॉक्स ले रहा हूँ पहला है ए बी बी इंडिया ए बी बी का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर मेरे ख्याल से पिछले तीन महीने में अगर किसी एक स्टॉक ने आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है तो वो है ए बी बी और ये देखिए इनफैक्ट ये लगातार चौथा महीना चल रहा है बड़ी रैली का यहाँ पर और वन वे तेज़ी आपको याद होगा रिजल्ट वाले दिन हमने एक कॉल लिया था इस पर कि यहाँ से स्टॉक फटने को तैयार है उसके बाद से रुका ही नहीं है ये स्टॉक और कल भी इसमें शानदार मोमेंटम था और ऑल टाइम हाई के करीब ये स्टॉक 16 साल का एक चैनल क्रॉस कर रहा है ये कैपिटल गुड्स में है डेटा सेंटर में है ऑब्वियसली बहुत चीज़ों के इसके फेवर में है ए बी के और डिलीवरी बाइंग भी अच्छी है यहाँ पर एफ एन ओ में भी लॉन्ग बन रहे हैं और एक ऐसा स्टॉक जो करेक्ट हो ही नहीं रहा है तो ये एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर रहेगा दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है दो हफ्ते में दूसरी बार ये स्टॉक आया है बायोकॉन और आई थिंक पिछली बार जो स्पॉटलाइट में आया था उसके बाद से स्टॉक ने बहुत शानदार मूव दिया था और अब ये स्टॉक जो है एक ध्यान रखिए एक मल्टी मंथ बेयर मार्केट को नेगेट कर रहा अभी है अब ये ये इसका वीकली चार्ट है एक इसमें बहुत बड़ी रैली हुई थी फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें बेयर मार्केट आई थी चार साल की एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन रेंज को बाहर क्रॉस कर रहा है ये फार्मा में इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है दो महीने पहले तक सबसे वीक था लेकिन इसी तरीके से मार्केट चेंज होता है और यहाँ पर भी डिलीवरी बाइंग शॉर्ट कवरिंग ये सब है स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वीरू पहले दे चुके हैं लेकिन मैं भी बोल देता हूं ये रेकमेंडेशन नहीं है अगर आप बाय कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए करिएगा जी आज की दो स्पॉटलाइट आपके स्क्रीन पे और ये है बायोकॉन और साथ ही साथ एबीबी एबीबी क्या गजब का स्टॉक राइज दौर में इनफैक्ट एंटायर आई कैपिटल